नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं LDC ज्वाइनिंग को लेकर एक नई अपडेट लेकर आया हूँ। तो जो अभ्यर्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अपडेट भी आपको मिलती रहे तथा वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, ये जो अपडेट है किस विभाग से हैं आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो अपडेट है निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग से हैं, जिन्होंने हाल ही में ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किया है। और ये ज्वाइनिंग ऑर्डर किन अभ्यर्थियों के लिए जारी किया है ये आप यहाँ देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2013 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जिन्होंने अधीनस्थ कार्यालय में कार्य ग्रहण नहीं किया था, उनके विरुद्ध प्रोविजनल सूची में से पिकअप किए गए अभ्यर्थियों की सूची है। ये जो सूची जारी की गई है दोस्तों, ये रामेश्वर प्रसाद बनाम राजस्थान में पारित आदेश के अनुसार, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जारी की गई है। इसमें जिन अभ्यर्थियों को पिकअप किया गया है उनकी सूची आपके सामने है दोस्तों। तो इस सूची में जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों, उन सूची वाले अभ्यर्थियों को आगामी 15 डेज में पदस्थापित किए गए कार्यालय अथवा जिले में नियुक्ति प्राप्त करनी है। और साथ ही साथ अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है कि अगर आप किसी न किसी प्रकार की राज्य सेवा में कार्यरत हैं तो आपको जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा भुगतान प्रमाण पत्र देना होगा दोस्तों। साथ ही साथ यदि आप किसी न किसी प्रकार से 15 डेज में नियुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आपको हस्ताक्षर सहित एक एप्लीकेशन देनी होगी कि हम किसी अपरिहार्य कारण से नियुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए, तो आपको आगामी 15 डेज का वापस मौका मिल जाएगा। और अभ्यर्थी बाकी जो दस्तावेज की सूची है उस सूची के अनुसार सारे दस्तावेज तैयार करके तुरंत प्रभाव से नियुक्ति प्राप्त करें दोस्तों। और आगे भी इसी प्रकार जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद।